हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ अपने एक नए कैमरे के साथ। क्योंकि दोस्तों आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो वीडियोज को इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक कैमरा परचेस किया हुआ है। और इस कैमरे को परचेस करने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा क्योंकि आप लोग अगर प्यार और सपोर्ट नहीं दिखाते मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो शायद मैं ये कैमरा परचेस नहीं कर पाता। इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने ये जो कैमरा लिया है वो अपने YouTube की कमाई से लिया हुआ है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये 58,995 रुपए का है। इसका प्राइस 60,000 62,000 रुपए तक फ्लक्चुएट करता है, कभी 56,000 तक। तो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जैसे फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, तो मैं जब खरीदा इसको तब ये फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल था और जो मैंने प्राइस बताया आपको वो प्राइस था वहां पर। अभी फिलहाल आपको कुछ कम प्राइस में भी मिल जाएगा अमेजोन पर। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल तो मैं ये चीज बेचने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने आया हूँ क्योंकि ये वीडियोस बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं सिर्फ दिखावा कर रहा हूँ कि मैंने कैमरा परचेस कर लिया। जस्ट बिकॉज आप लोगों का रिक्वायरमेंट था बहुत ज्यादा कि आप लोगों को क्लियरिटी नहीं आ रही है वीडियोस में, अच्छे से दिख नहीं रहा है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जब बताता हूँ तो वहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो ब्लर हो जाते हैं कभी, या कुछ बताते समय नहीं दिखता है अच्छे से, मोबाइल से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने ये कैमरा परचेस किया हुआ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके पीछे आप लोगों का ये हाथ है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है, सब कुछ है। तो इस कैमरे को जल्दी से खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलता है। फिलहाल तो मैंने इसको एक बार ओपन करके देख लिया हुआ है क्योंकि बहुत ज्यादा डर होता है ना जब पहली बार कोई महंगा सामान अगर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं तो देखने में लगता है कि कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया। तो इसको मैंने जैसे ही आया मैंने खोल करके सारा कुछ देख लिया, सब कुछ सही है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि मुझे इसमें क्या क्या मिला हुआ है 58,995 रुपए के प्राइस रेट में। दोस्तों अभी अगर आप अमेजोन पर खरीदने जाएंगे तो 59,000 में आपको साथ में मेमोरी कार्ड भी मिल जाएगा। तो इसमें मुझे मेमोरी कार्ड नहीं मिला हुआ है, तो मेमोरी कार्ड मैंने अलग से ऑर्डर कर दिया हुआ है तो वो आने में अभी 3-4 दिन लगेगा। मैंने ये बताया ना कि पहली बार कोई महंगा सामान खरीदने में, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार खरीद रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने वन प्लस का मोबाइल 45,000 रुपए का मंगाया हुआ है। तो उसमें भी थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन धीरे धीरे हैबिट बन जाता है और समझते हैं ना कि छोटा छोटा प्रोडक्ट तो बहुत सारे मंगाए हैं लेकिन ऑनलाइन में पहली बार मंगाया इतना बड़ा सामान। और इसको तो वैसे बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं कि दुकान में ही खरीदना चाहिए लेकिन मैंने ऑनलाइन ही परचेस किया। तो फिलहाल अभी मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ इसके अंदर मुझे क्या क्या इक्विपमेंट मिलता है और इसके बाद फिर आगे की बात करेंगे जो भी रहेंगे। तो इसको तो मैं पहली बार खोलने ही नहीं जान पाता कि कैसे खोलना है, ठीक है। तो इसको मैंने ओपन किया यहाँ से, ठीक है, और दिखाता हूँ एक एक करके कि इसमें मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो ये है सबसे पहले यूजर मैनुअल, इसमें आप लोगों का यूजर मैनुअल भी मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ कार्ड्स वगैरह हैं इसमें दिया हुआ है अलग से। तो इन कार्ड्स लोगों का यूज नहीं है क्योंकि मैंने एक ट्यूटोरियल देख लिया हुआ है यूट्यूब पर कि कैसे इसको यूज करना है। वैसे तो मुझे भी नहीं आता है, कैमरे को अभी तक यूज अच्छे से नहीं कर पाया हूँ और फोटोज वगैरह तो कुछ भी नहीं खींच के देखा हूँ क्योंकि मेरे पास मेमोरी कार्ड ही नहीं है। मेमोरी कार्ड इसके साथ आया नहीं था और मुझे बाद में पता चला कि मेमोरी कार्ड इसमें लगा करके फोटो वगैरह खींचते हैं, मेरे को लगा इनबिल्ट आता होगा जैसे मोबाइल में रहता है रैम रोम उस टाइप से। तो बाद में मैंने मेमोरी कार्ड भी परचेस कर लिया है, ऑर्डर कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इसमें आप लोगों को केबल मिलता है, ये है केबल और इसकी लेंथ ठीक ठाक ही है लेकिन थोड़ा छोटा है, ठीक है। ये है बैटरी चार्ज करने के लिए काम आएगा और बैटरी को चार्ज हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग बैटरी को यहाँ पर हम लोग बैटरी लगाएंगे और इसके बाद इसको हम लोग यहाँ से चार्ज करेंगे इस केबल के थ्रू, ठीक है। इन पॉलीथीन वगैरह को मैं साइड में करता हूँ। और इसमें मुझे क्या क्या मिलता है, ये है एक बेल्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग कैमरे में लगा करके और गले में लटका सकते हैं। तो ये हमको एक बेल्ट भी मिलता है साथ में। वैसे तो मैं कैमरे का यूज अभी तक अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, कैमरे को कैसे यूज करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या सेटअप करते हैं, बहुत सारी चीजें देखना पड़ता है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक लेंस भी मिला है इसमें और ये लेंस है 15-45 mm का, ठीक है। तो ये ज्यादा खास नहीं है लेकिन फिर भी अभी फिलहाल शूट करने के लिए काम आ जाएगा, ठीक है। अगर ज्यादा लंबा जूम करना है या फिर ब्लर वगैरह करना है तो उन सब के लिए अलग अलग लेंसेस आते हैं जो कि महंगे महंगे आते हैं, 18-18, 20-20 हज़ार रुपए के। तो अभी फिलहाल मैं वो सब चीज अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब है ऐसा नहीं है लेकिन फिलहाल अभी मैं इसी से काम चलाने वाला हूँ, कुछ टाइम तक देखूंगा कैसा चलता है,
इसके बाद जरूरत पड़ेगा तो और बाकी भी लेंसेस मैं खरीद लूंगा अलग से। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो बैटरी, ये है हमारा बैटरी और इसमें केवल एक ही बैटरी मिलता है, ठीक है। बैटरी बोलते हैं बहुत ज्यादा टिकता नहीं है, ठीक है, एक बार चार्ज करेंगे 1.5 घंटे 2 घंटे तक चलता है, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी और भी एक दो मंगा करके रख लेंगे अलग से ताकि हमारा काम ना रुके, ठीक है। तो ये है हमारा बैटरी और इस बैटरी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और इससे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या क्या हो गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा और जो सबसे मेन पार्ट है ये है हमारा कैमरे का बॉडी पार्ट, और इस बॉडी पार्ट को देख करके पहली बार देखा तो घर में जब दिखाया तो बोलते हैं इतना छोटा सा प्रोडक्ट है, इसका 58,000 रुपये तुम पे किए हो, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइप का लगा, ठीक है। लेकिन मैं जानता हूँ कि इसका क्या रोल है, क्या अहमियत है, तो साइज से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमको दिखाना तो है नहीं, वीडियोस अच्छे से होना चाहिए शूट, और यूट्यूब वीडियोस के लिए बेसिक लेवल पर सबसे बेस्ट कैमरा यही है, और मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखे, बहुत सारे रिव्यूज देखे, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं लूंगा कैनन M50 Mark II। तो मैंने वही खरीदा हुआ है, 58,995 रुपये पड़ा है, बाकी इसका प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये जो कैमरा है वो यहाँ से फ्लिप हो जाता है, इसके बाद ये टिल्ड भी हो जाता है, तो ऐसे भी करके अपन ले सकते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हर एक यूट्यूबर्स के लिए, अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तो अगर हम लोग ऐसे रख लेंगे तो ये वाला जो स्क्रीन है वो मेरी तरफ रहेगा, यानी कि मैं अपनी पोजिशनिंग को देख सकता हूँ कि किस तरह से मेरा जो फ्रेम है वो मैं किस तरह से आ रहा हूँ फ्रेम में, तो ये टिल्ड हो जाता है। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगी इसके इस कैमरे की। और इसके अलावा इसको हम लोग बंद करते हैं, और इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, कहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऑन ऑफ होता है, यहाँ से फोटोज क्लिक करते हैं, ये है लाइट, तो और बहुत चीज़ें सीखना पड़ेगा, ठीक है। यूट्यूब वीडियोस देख लेने से सब कुछ नहीं हो जाता, तो मैंने वीडियोस तो बहुत सारे देखे हैं इसके ऊपर, ट्यूटोरियल वगैरह, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करके देखूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा एक मेमोरी कार्ड आ रहा है, तो वो मेमोरी कार्ड पहले आ जाए, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। बाकी इस कैमरे के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या मुझे मिला हुआ है। एक बेल्ट मिला हुआ है जो कि गले में लगा सकते हैं, और इसके अलावा ये चार्ज करने के लिए, और ये है चार्जिंग करने के लिए, ये बैटरी है यहाँ पर लगा करके चार्ज कर सकते हैं, ये एक बॉडी पार्ट, और इसके अलावा एक लेंस, ठीक है। तो और भी लेंसेस मुझे खरीदना पड़ेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वीडियोज में भी आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा कमेंट था कि अच्छे से नहीं आ रहा है, वीडियोस क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव करो, वॉइस वगैरह, तो वॉइस के लिए भी मैंने माइक वगैरह परचेस कर लिया है, तो मेरा पूरा सेटअप एक तरह से तैयार हो गया है। अब आप लोगों को वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे, ठीक है। 2-4 दिन का डिले हो सकता है अभी फिलहाल, क्योंकि मेमोरी कार्ड वगैरह नहीं आया है, तो जैसे चल रहा था पहले उसी तरह से चलेगा। बाकी अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि मेरा सेटअप किस तरह का है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं बिहाइंड द सीन कि किस तरह का मैंने सेटअप बना करके रखा हुआ है, कहाँ पर ग्रीन पर्दा है, कहाँ पर क्या सामान है, कहाँ पर हम लोगों ने बोर्ड लगा करके रखा हुआ है, बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो कोई भी कलर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, कोई भी एडिटिंग नहीं किया हुआ है, क्योंकि देखो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब सब कुछ क्लीन रहे, सब कुछ साफ सुथरा रहे, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम लाइट फाइट लगाने का कोई मतलब नहीं है, जो भी है सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो इससे मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। तो बैकग्राउंड वगैरह में अगर लगाना है या नहीं लगाना है वो सब आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फिलहाल मुझे सिंपल ही ठीक लग रहा है। और बाकी आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके इसके लिए आप लोग बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।